हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नीट काका जी दिस इज योर नेक्स्ट सेशन ऑफ एस एस क्यू सी श्योर सेलेक्शन क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट सीरीज एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट बायो मोलिकल्स आपके जो यूनिट थर्ड है सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सेकेंड जो चैप्टर है बायो मोलिक्युल्स इसके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आज आपने डिस्कस करने वाले हैं टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो पूरे कंप्लीट आपके नीट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है प्योर एनसीआर बेस्ड और ऐसे ऐसे पॉइंट इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं जो जनरल आप लोग स्किप करके जाते हैं कि ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर मेंशन ही नहीं है इस तरीके से आप जो है सोच करके जाते हैं काफ़ी सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आ, स्किप कर दिया जाता है या फिर उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है वो सारे पॉइंट्स जो है क्वेश्चन के थ्रू अपने डिस्कस करेंगे और आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के ट्वेंटी क्वेश्चन करने का मीनिंग क्या है इस चैप्टर के 25 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से किए हैं, तो ट्वेल्थ एनसीईआरटी के अंदर आपको मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसका जो पूरा कंप्लीट जो बेसिक्स है न्यूक्लिक एसिड वाला जो पूरा कंप्लीट बेस है वो आपका अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आफ्टर दैट आपकी एनसीआरटी जो केमिस्ट्री की दी हुई है केमिस्ट्री ट्वेल्थ एनसीआर जो सेकंड बुक है उसके अंदर फोर्टीन नंबर चैप्टर जो बायोमोलिक्स दिया हुआ है वहां पर भी जो लास्ट के अंदर बायोलॉजिकल कुछ प्रोसेसिस के अंदर आपको प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट डिफाइन किया वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो काफी सारे क्वेश्चन आपके वन बाय वन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो देखें बट आपको भी पता है सेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन के अंदर जीतो जीत की रणनीति जैकपॉट क्वेश्चन के विनर का नेम जो है हमेशा अनाउंस करते हैं और लास्ट जो आपका सेशन था उस सेशन के अंदर जीतो जीत की रणनीति जैकपॉट क्वेश्चन जो था उसके विनर हैं यस प्लीज क्या आप गेस्ट करेंगे क्विक जितना जल्दी आप बताएंगे उतना जल्दी अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे जल्दी से आप बताएं लास्ट जो आपका क्वेश्चन था जीतो जीत की रणनीति जैकपॉट क्वेश्चन के विनर यस प्लीज तो लास्ट क्वेश्चन के विनर हैं अंकित कुमार अंकित कुमार मैक्सिमम लाइक्स जो हैं बिल्कुल सही इन्होंने आंसर जो है ड्रॉप किया और इनके कमेंट पे मैक्सिमम लाइक्स like जो है वो देखने को मिल रहे हैं अराउंड 68 प्लस जो है लाइक्स स्टिल अभी लेटेस्ट uh, इनके कमेंट पे देखने को मिल रहे हैं सो so, सभी स्टूडेंट्स जो हैं कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे अंकित कुमार को हाँ जी अंकित कुमार आप अपना सिटी एंड स्टेट ड्रॉप कीजिए कहां से हैं आप ओके गाइस नेक्स्ट अब अपने स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन को वन बाय वन इसी तरीके से आपके पास ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और बेस्ट क्वेश्चन मैं फिर से आपसे आपसे जो है बार बार आपको यही बता रहा हूं कि एनसीईआरटी आप लेकर के बैठे एनसीईआरटी के अंदर कहां किस लाइन से ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए अगर आपने वो एक बार देख लिया तो आपके सारे डाउट्स जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है बायमोलिकल्स के अंदर सर बायोमालिकल इतना डिफिकल्ट चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है बट उसको समझने की देरी है कि कहां से क्वेश्चन बनता है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगे इस सेशन के थ्रू तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से देखें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन और मैच द कॉलम एन एनसीआर चैप्टर नंबर नाइन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैच द कॉलम कंपोनेंट्स एंड विद कंपोनेट सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट के अंदर आपको कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं वाटर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड जो एक सेल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं प्लस परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास इनकी जो अगर मैं बात करता हूं परसेंटेज क्या रहती है वाटर कितना रहता है कितना परसेंट रहता है थ्री परसेंट सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट टू परसेंट फाइव टू सेवन परसेंट एंड टेन टू फिफ्टीन परसेंट यस yes, प्लीज सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है कहां से एनसीआर चैप्टर नंबर नाइन जो आपका टेबल नंबर नाइन पॉइंट फोर है टेबल नंबर नाइन पॉइंट फोर से आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और यहां तक आपको मैं बताता हूँ आपकी नीट एग्जाम के अंदर स्टिल अभी इस टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इससे पहले नाइन पॉइंट टू टेबल से हर साल अल्टरनेटिव ईयर के अंदर क्वेश्चन फिक्स है आता ही आता है 9.5 जो आपकी प्रोटीन की दी हुई है वहां से भी क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है बट स्टिल इस टेबल को अभी टच नहीं किया है और यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन होता है तो टोटल स्टिल क्या है का सेकंड सेकंड नंबर प्रोटीन की तो प्रोटीन आपको कितने देखने को मिलते हैं सेकंड नंबर पर जाए तो टेन टू फिफ्टीन परसेंट आपको प्रोटीन देखने को मिलते हैं थर्ड नंबर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट आपको कितना देखने को मिलते हैं अराउंड थ्री कार्बोहाइड्रेट फिर फर्दर लिपिड्स की अगर बात की जाए तो लिपिड्स टू परसेंट और लास्ट वन न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड फाइव टू सेवन परसेंट ये इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन है ठीक है मैच जो कॉलम के थ्रू आपने बता दिया बट स्टिल एक बात आप अच्छे से ध्यान रख लेना एक बात आप अच्छे से ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप इनको लगाइए अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज तो वो पॉइंट भी आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठे तो इसके अंदर देखना दोनों तरीके आपको आने चाहिए नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से देखें क्या है अ फैट हैज एक फैट जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर नाबो क्या देखने को मिलता है अ फैट हैज एक फैट जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है जल्दी से बताएं फर्स्ट ऑप्शन थ्री ग्लिसोर एंड वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल वन ग्लिसरोल एंड थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल थ्री ग्लिसरोल एंड थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंड वन ग्लिसरोल एंड वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल एक तीन ग्लि, थी, ग्लिसरोल और एक वसी अमल देखने को मिलता है एक ग्लिसरोल और तीन वसीय देखने को मिलते हैं तीन और और तीन देखने देखने को को मिलते हैं या फिर वन और वन देखने को मिलता है यस प्लीज मोस्ट ऑफ ने इसका आंसर ड्रॉप किया है बिल्कुल सही किया है अगर आप देखें अगर बात की जाए फैट की तो फैट क्या है फैट आर द एसेस ऑफ एल्कोहल एंड फैटी एसिड एसेस ऑफ एल्कोहल एंड फैटी एसिड और आपको पता है कि यहां पर एक पोलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल जो लेते हैं अपने ग्लिस्ट्रोल ये क्या है ये किसको रिप्रेजेंट करता है को और यहां पर तीन फैटी एसिड इसके साथ मिलकर के कि किसकी फॉर्मेशन करते हैं यहां पर थ्री फैटी एसिड जो है मैंने लिख दिए हैं ये फर्दर सी ओ एच जो आपको देखने को मिल रहा है यहां से फर्दर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये आपस में अटैच होकर के एक फैट की फॉर्मेशन करेंगे जो जनरल न्यूट्रल फैट की तरह कंसिडर होता है क्लियर है नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थ्री अच्छे से एनालाइज करें क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनसीआरटी चैप्टर नंबर नाइन चैप्टर नंबर नाइन के अंदर जब आप प्रोसीड करेंगे तो चैप्टर नंबर नाइन पेज नंबर फाइव पेज नंबर फाइव एक टेबल दी हुई है आपको उस टेबल को आप अच्छे से एनालाइज करना 9.2 टेबल जो मेंशन की हुई है आपकी एनसीआरटी ने अच्छे से देखना उस उसपे बेस्ड एक क्वेश्चन है आप देखिए क्या है प्लांट टिश्यू प्रोड्यूस ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है सेकेंड पूछा हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लांट किंगडम बिल्कुल सही है थर्ड वन एंड रेसिन आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूज एज एन ड्रग एंड फोर्थ वन सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यस प्लीज क्विक अपना आंसर जो है ड्रॉप करने की कोशिश करें नंबर ऑफ स्टूडेंट ने इसका आंसर ड्रॉप करना स्टार्ट किया और बिल्कुल सही आंसर ड्रॉप कर रहे हैं आपको बता देता हूं लास्ट फाइव ईयर्स के पेपर अगर आप नीट के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि फाइव ईयर्स के अंदर मिनिमम फोर टाइम्स और इवन एक ही टेबल से दो दो क्वेश्चन जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे पूछे गए हैं नाइन पॉइंट टू टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट फाइव ईयर्स से कोई सिंगल पेपर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिस पेपर के अंदर किसी क्वेश्चन ने इस टेबल को टच ना किया हो आप ध्यान रखना आपको पहले भी बताया गया था इस टेबल से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है एब्रिन एंड रेसिन एब्रिन और रिसिन जो होते हैं ये एज एन टॉक्सिन की तरह वर्क करते हैं और एक बात आपको और एब्रिन रिसिन रिसिन आपको पता कहां से मिलता है रिसिनस कम्युनिकस कैस्टर जो होता है अरंडी वहां से आपको जो है रिसीन देखने को मिलता है और बेसिकली क्या करता है ये सेल के अंदर चलने वाले जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर एज एन इन इनिबीटर की तरह वर्क करता है तो ये टॉक्सिन की तरह वर्क करते हैं ये ड्रग की तरह यूज में नहीं आते हैं ध्यान रखना क्या होगा इसका आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर अच्छे से एनालाइज करें क्या है क्वेश्चन नंबर फोर अगेन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन वो तो कहता है पूरा थियोटिकल कि क्या आपको अच्छे से पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट कुछ कैरेक्टर्स अब अच्छे से एनालाइज करें यहां पे डिफाइन क्या हुआ है इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स व्हाट इज पिगमेंट्स व्हाट इज टर्पीनॉइड्स व्हाट इज एलके और लास्ट वन अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ व्हाट इज लेकट तो ये वन बाय वन ये सारे पूरे के पूरे आप डिफाइन करें फोर कैटेगरी मैंने आपको डिफाइन की है पिगमेंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर सेकंड नंबर इसके अंदर मिलने वाले टर्पिन uh, क्या हैं थर्ड वन एल्केलॉइड्स क्या हैं फोर्थ वन लेक्टीन्स क्या क्या हैं यस प्लीज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपना आंसर ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए फर्स्ट अगर पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स आपको क्या सी एंड ऑप्शन आपका सीधा कट हो गया है. रहा आपको Next, इसके दिया टर्पीनोड टर्पिन की अगर बात हो टर्पीनोड्स के अंदर टू डिफरेंट डिफरेंट काफ टोड्स मोनो टर्पिन एंड मोनो एंड डाइ टर्पिन देखने को मिल रही है इसका सेकंड बी क्या हो जाएगा सेकंड आपके पास आंसर आपका आ गया बट स्टिल Alkaloids. Alkaloids की अगर बात करते हैं तो एल्केलॉइड्स के अंदर क्या होगा एल्केलॉइड्स जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें क्या आएगा और लास्ट वन लेक्टिन्स कौन कौन वेलिन ए नीट 2019, नीट 2020। लगातार क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं आगे आने वाले ईयर्स के अंदर भी यहां से इस टेबल से, से कॉन्टिन्यूशन के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने के चांसेस है क्योंकि काफी सारा मैटर है इसके अंदर जिसपे बेस जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है डिजाइन होते हैं आप अच्छे से देखें क्या होगा इसका आंसर ए क्लियर है नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है सिंपल क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है और आधे से ज्यादा स्टूडेंट को तो पता ही नहीं कि एन के अंदर गिवन भी है क्या ये ये इनुलिन लिखा हुआ है ये इंसुलिन लिखा हुआ नहीं है ध्यान रख लेना क्या है इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फर्स्ट वन ग्लूकोज सेकंड गैलेक्टोज थर्ड वन फ्रक्टोज़ एंड फोर्थ वन एरेबिनोज फोर्थ आपके पास आपको ऑप्शन दिए हुए क्विक अपना आंसर जो है ड्रॉप करें यस <coughs> प्लीज yes, क्या होगा इसका आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर ड्रॉप करना स्टार्ट किया है इसका आंसर होगा सी फ्रक्टोज इनुलिन जो होता है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर uh, होता है और इवन आपको बताते हैं डहेली एंड आर चौक प्लांट जो होते हैं उनकी रूट्स के अंदर एज एन स्टोर्ड फूड की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है किडनी फंक्शन टेस्ट जब पहले किए जाते थे तो इनोलिन एज एन किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर इसको यूज किया जाता था ध्यान रख लेना इस चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल सा है कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो आपको पोलिसक्राइड कंडीशन दी है पोली सेक्राइड जहाँ पे स्टार्ट होते हैं वहां पोलीसेक्राइड के अंदर फोर फाइव नंबर लाइन के अंदर थ्योरी के अंदर दिया हुआ है कि इनुलिन इज अ पोलीमर ऑफ रक्टोज तो ध्यान रखना अच्छे से क्वेश्चन नंबर अच्छे से एनालाइज करें क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट मैच नहीं है गलत मिलान किया गया है फर्स्ट वन राइबोजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर राइबोजाइम जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है प्रोटीन प्रकृति का होता है सेकेंड वन एपो एंजाइम द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम एंजाइम का एक प्रोटीनेशियस जो पार्ट होता उसको है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं थर्ड वन को एंजाइम लूजली अटैच ऑर्गेनिक को फैक्टर ऑफ हेलो एंजाइम एंजाइम तो होता है लूजली अटैच होता है फोर्थ वन को फैक्टर्स नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हेलो एंजाइम जी इनमें से कौन सा ऐसा है जो रॉन्गली मैस्ड आपको देखने को मिल रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छे से देखें क्या है इसका आंसर फर्स्ट राइबोजाइम आपको भी पता है कि राइबोजाइम की अगर बात करते हैं तो राइबोजाइम ही एक ऐसा एंजाइम है जो कैसा होता है आर आर एन ए डिराइव होता है ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए से डिराइव राइबोजाइम 23 एस आर आर एन ए से डिराइव आपको क्या देखने को मिल रहा है राइबोसाइम देखने को मिलता है और 23 थ्री एस आर आर एन ए प्रोक्यूरोल के अंदर होता है और यू के अंदर कितना होता है ट्वेंटी एट आस ट्वेंटी एट एस आर आर एन ए और दोनों के अंदर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है यह पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्लियर है इंपॉर्टेंट पॉइंट है लार्जर सब यूनिट के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सेवन अच्छे से पहचानना है आपको एनसीईआरटी चैप्टर नंबर नाइन पेज नंबर फोर पेज नंबर फोर पे कुछ आपको फिगर्स दिए हुए हैं उन फिगर्स के अंदर आपको ये थ्री फिगर्स मिलेंगे ए एक्स एक्स एन एन वाई जेड ये तीनों इन तीनों को आप अच्छे से पहचानें और किस टाइप के अमीनो एसिड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्विक अपना आंसर जो है ड्रॉप करें इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखें ये तीनों के तीनों फिगर आपको एनसीआरटी के अंदर मैंशन किए हुए हैं हाँ जी क्या होगा सेवन का आंसर ग्लाइसिन तो आपको याद ही होगा है कि नहीं है हाँ जी बच्चा लोग ग्लाइसिन याद है आपको अच्छे से नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है और जैसा मैं देख पा रहा हूं <coughs> क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट वन साइड चेन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है साइड चेन के अंदर आपको एच देखने को मिल रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर कैरियल कार्बन आपको देखने को नहीं मिलता सेकंड नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करता है एलानिन को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एलानिन और थर्ड नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, करता है? को ये तीनों के तीनों जो अमीनो एसिड आपका एनसीआर के अंदर इन तीनों की दी हुई फर्स है फर्स्ट वन ग्लाइसिन है सेकंड वन क्या है एलानिन और थर्ड वन क्या है, सेरीन. अच्छे तो है अच्छे से देख लें क्योंकि ऑलरेडी आप आंसर ड्रॉप कर चुके थे इसी वजह से मैंने वहां पर रिमार्क किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छे से देख लें क्लियर है एनसीआर के अंदर गिवन एस स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर एट अच्छे से एनालाइज करें इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है देखें कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कितनी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो वो क्या है करेक्ट है फर्स्ट वन काइटिन अ कॉम्प्लेक्स और अकरिंग इन एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज जमीन का ये बना होता है सेकेंड वन ग्लूकोज अमीन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन आर द मोडिफाइड शुगर ग्लूकोज अमीन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन मॉडिफाइड शुगर है थर्ड वन सेलुलोज शोज द ब्लू कलर ट्रीट iodine, iodine किया जाता है तो फर्दर यह ब्लू कलर शो करता है प्लांट एंड ग्लाइक्रोजन इन दर स्टोर्ड हाउसेज ऑफ एनर्जीज बोल सकते हो आप इनको लास्ट वन राइट हैंड ऑफ अज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड द रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट लेफ्ट एंड इज कंसिडर एज एन नॉन रिड्यूसिंग एंड टेक्ट जल्दी से आप अपना आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट करें नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट किया देख पा रहा हूं मैं और वही आपका एंथुजियाज्म जो है मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है देखिए आपको मैं फिर से बता देता हूं इस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं नीट एग्जाम के बाद अपने मिलेंगे फिर से आपको पता चल जाएगा इस सीरीज की वैल्यू क्या है ये क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है जो आपके लिए डिजाइन किए जा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके नीट एग्जाम के अंदर 360 और थ्री अगर कहीं से आ सकते हैं तो इसी सीरीज से आ सकते हैं अच्छे से एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लें देखें क्या होगा इसके अंदर थर्ड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या बताया गया सेलुलोज सेलुलोज नहीं आयोडीन के साथ में ब्लू कलर कौन देता है स्टार्च इसका थर्ड स्टेटमेंट 100 परसेंट कैसा है इनकरेक्ट बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स है वो कैसी हैं बिल्कुल सही दैट्स वाई ऑल एक्सेप्ट थर्ड सभी स्टेटमेंट सही है सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट को छोड़कर ये पॉइंट आपको क्लियर हो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर एंजाइम जो आपकी एनसीआरटी में दिए हैं इस चैप्टर के अंदर वो पूरे के पूरे कवर अप किए गए हैं अच्छे से देखें क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया है फर्स्ट में फंक्शन डिफाइन किया और सेकंड के अंदर टाइप्स ऑफ एंजाइम आपको दिए हैं अच्छे से देखें क्या है एंजाइम्स कैटालाइजिंग ब्रेक डाउन एंजाइम कैटालाइजिंग ब्रेक डाउन विदाउट एडिशन ऑफ वॉटर किसी तरीके से कोई वाटर का एडिशन नहीं होगा और फर्दर रिएक्शन को वो कैटेलाइज करते हैं तो क्या होगा इसका आंसर सेकेंड वन एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ द एन एल्डो शुगर इन द किटो शुगर तो ये तो आइसोमेरिक फॉर्म आपको देखने को मिलती है तो बी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बी के अंदर आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा और एंजाइम जो बिना वाटर के फर्दर स्प्लिट कर देता है वो क्या होंगे लाइजेज क्या होंगे लाइजेज तो क्या होगा ए का फोर बी का फर्स्ट थर्ड नंबर एंजाइम वेयर कैटाइसिस इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये जो जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है वहां पे क्या होगी रिडक्टेज एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी सी का क्या हो जाएगा सेकेंड तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा सी वाई बिकॉज एनजाइम कैटालाइजिंग बॉन्डिंग ऑफ टू कंपोनेट विद द हेल्प ऑफ ए जहां पर ए टीपी यूटिलाइज होता है वहां पर लाइगेज करता है और एक टू जो होते हैं उनको आपस में अटैच करवाने के लिए वर्क करता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एनसीआर चैप्टर नंबर नाइन के अंदर सिक्स कैटेगरीज जो आपको दी हुई है ऑक्सीडो डिटेज फिर फर्दर उसके अंदर ट्रांसफेरेज फिर फिर आपको दी हुई है फिर फर्दर आइसोमरेज और लास्ट वन लाइगेज दी हुई है तो, तो वो ये सारी कैटेगरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए सिक्स कैटेगरी जो है क्लासेस आपकी डिफाइन की हुई है आपकी एनसीआरटी ने उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन देखिए आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं ये ग्राफ आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो आपको दिया हुआ है एंजाइम काइनेटिक्स को डिफाइन करता है ये ग्राफ देखिए क्या होगा द एडजॉइनिंग ग्राफ शोज द चेंजेस इन द कंसनट्रेशन एंड सबस्ट्रेट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी आइडेंटिफाई ए बी एंड सी आपको ए बी और सी अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कहां दिया हुआ है ए बी सी है ये देखिए ये डिफाइन करता है ए को ये डिफाइन करता है सी को ये बताता है बी को येस yes, इस ग्राफ को देखें और आपको ए बी सी जो है फर्दर डिफाइन करना है कहां होगा ए और बी एंड सी यस प्लीज क्वेश्चन नंबर टेन मोस्ट ऑफ ने इसका आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है देखें यस yes, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आप लोगों ने ड्रॉप किया है क्वेश्चन नंबर टेन आंसर इज सी क्यों

और मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलस्टेट कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर इलेवन अच्छे से देखें क्या होगा क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर अगेन एंजाइम बेस्ड क्वेश्चन और जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है सो जाते हैं देखिए आप अच्छे से क्या है स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट को एंजाइम इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एंजाइम के लिए इन करेक्ट है क्विक जल्दी से एवरी को एंजाइम इज अ को फैक्टर एंड एवरी को फैक्टर इज अ को एंजाइम सभी को एंजाइम को फैक्टर है और सभी को फैक्टर को एंजाइम है सेकेंड वन आपसे क्या पूछा है इन करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है नेक्स्ट वन पूछा हुआ है एवरी को एंजाइम इज अ को फैक्टर सभी को एंजाइम को फैक्टर की तरह वर्क करते हैं एवरी को फैक्टर इज नॉट वन मोस्ट ऑफ द को एंजाइम आर न्यूक्लियोटाइड एंड आर कंपोज ऑफ विटामिन एंड फोर्थ वन जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है को एंजाइम आर द एक्टिव कॉन्स्टिटेंट ऑफ द एंजाइम को एनजाइम को एंजाइम एंजाइम का एक्टिव पार्ट होता है यस yes, प्लीज

फैक्टर्स बट ओल को फैक्टर्स आर नोट को एनजाइम यह स्टेटमेंट हंड्रेड परसेंट सही है बट प्रॉब्लम इज दैट फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें क्या है कि ओल को एम्स आर को फैक्टर नो डाउट बिल्कुल सही है बट ओल को फैक्टर्स आर को एनजाइम नो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका इन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट अच्छे से देख लें नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर को आप अच्छे से देखें और चार स्टेटमेंट आपको दिए उसके पे आपको अपना आंसर जो है प्रिडिक्ट करना है फोर स्टेटमेंट्स क्या है वो? One one one, हैं वो मैं डिस्कस करता हूं बाय वन देखिए स्टडी द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट नाइट्रोजिनस बेस आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजिनस बेस जो हैं वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलते हैं सेकंड वन न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड इन नोट फॉस्फेट वन टर्न ऑफ अ बी डी एन एज टेन बेस पेयर्स थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट लेंथ ऑफ अ वन टर्न ऑफ डी एन ए इज थ्री पॉइंट फोर ऑंगस्टॉन यस प्लीज क्या होगा आंसर देखिए फोर्थ स्टेटमेंट आपको दी है क्या आपकी जो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस बेस जो होता है नाइट्रोजिनस बेस की जो पूरी कंप्लीट रिंग होती है क्या ये ओपन होती है क्या नहीं कैसी होती है ये क्लोज चाहे प्यूरिन हो चाहे पायरिमीडिन हो चाहे प्यूरिन हो या फिर चाहे पायरेमिडिन हो दोनों के अंदर आपको कैसी कंडीशन देखने को मिलती है क्लोज आपको रिंग देखने को मिलती है ओपन रिंग नहीं होती दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपका इसमें इनकरेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट हंड्रेड करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट और सेकेंड स्टेटमेंट हंड्रेड इनकरेक्ट है देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है ये कैसा है इनकरेक्ट तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया सेकंड ऑप्शन गलत हो गया थर्ड नंबर सेकंड स्टेटमेंट 100 परसेंट करेक्ट है तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हुआ आंसर आपके पास क्या आ गया एक फोर अच्छे से देख लें चार स्टेटमेंट दी हुए है चारों स्टेटमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए यहां पे थ्री पॉइंट फोर ऑंगस्टॉन है थर्टी पॉइंट थर्टी फोर ऑंगस्टन आपको देखने को मिलेगा ये बेस पेयर बिल्कुल सही है यहां पर नाइट्रोजनस बेस इज ए क्लोज चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ओपन चेन नहीं होती है दिख रहे हैं आपको ये नाइट्रोजनस बेस कैसे होती है क्लोज चेन आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन अच्छे से देखें इंपॉर्टेंट <coughs> पॉइंट है देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या पूछा गया है मैच कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या पूछा है कॉलम फर्स्ट के अंदर कॉटन फाइबर क्या होते हैं काइटिन है ग्लाइकोजन है स्टार्च है या सेलोज है, है क्या है कॉटन फाइबर्स सेकेंड वन आपको दिया हुआ है एग्जोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच कॉकरोच का जो exoskeleton है क्या है वो काइटिन है ग्लाइकोजन है या फिर स्टार्च है या फिर सेलोज है थर्ड वन आपको दिया हुआ है लीवर लीवर के अंदर आपको क्या इसके अंदर देखने को मिलता है और फोर्थ वन दिया हुआ है पील्ड पोटैटो यस प्लीज जल्दी से अपना आंसर जो है वो ड्रॉप करें क्या होगा क्विक नंबर ऑफ स्टूडेंट ने इसका आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट किया अच्छे से देखें सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है कॉटन फाइबर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं है, तो एक का क्या आ जाएगा आपके पास एक का आ जाएगा फोर सेकेंड नंबर एग्जुस्ट ऑफ कॉकरोच इज मेड अप विद काइटिन एननेसिटेल ग्लूकोज आईमीन जो आपको इसका पॉलीमर देखने को मिलता है बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट एक फोर बी का फर्स्ट लीवर लीवर के अंदर क्या स्टोर होता है ग्लाइकोजन सी का सेकेंड और फिर फर्दर पील पोटैटो के अंदर क्या देखने को मिलता है? स्टार्च और डी का थर्ड तो ये कंडीशन आप देखें एका फोर बी का फर्स्ट सी का सेकेंड और डी का थर्ड कहां देखने को मिल रहा है आपको बी समझ में आई बात आपको इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं फिर से बता देता हूं जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं इनको अच्छे से आप कर लीजिए आपके नीट एग्जाम में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिर से जो अब जब आपने इसका यूनिट टेस्ट करेंगे यूनिट टेस्ट के अंदर मिनिमम जो आपको इस चैप्टर से 15 टू 15 सेवनटी uh, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो इस चैप्टर के और इवन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन भी इस पूरे चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है वहां पर जब मैं क्वेश्चन लूंगा थोड़े से ट्रिकी जो इस चैप्टर के ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं और जो टॉपिक स्टिल अभी टच भी नहीं हुए हैं और जहां से क्वेश्चन आने लायक है वो सारे क्वेश्चन आपको उस टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे तो बने रहे आप अच्छे से क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंजाइम से ये क्वेश्चन है और पूछा गया है कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक रिएक्शन आपको दी हुई है जिसके अंदर एक रिएक्टेंट एस जी है एक रिएक्टेंट एस डैश आपको देखने को मिल रहा है और ये जो एस जी है ये फर्दर यहाँ से जी जो कंपोनेंट कंपोनेंट होता है प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है एस डैश से अटैच है और एस जो यहाँ पे आपको फ्री देखने को मिलता है यस प्लीज क्विक जल्दी से बताएं आप क्या होगा इसका आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल सही आप देखें यहां पर ट्रांसफेरेज एंजाइम आकर के ट्रांसफर ट्रांसफेरेज एक्टिविटी जो है शो शो करेगा जिसके अंदर ये जो जी आपको रिएक्टेंट के अंदर देखने को मिल रही है किस पे ट्रांसफर किया गया है इसके एक दूसरे रिएक्टेंट पे तो यहां पर ए बी प्लस सी आपको देखने को मिलते हैं और प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर ए सी आपको देखने को मिलेगा प्लस यहां पर बी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर आपको ए बिल्कुल फ्री हो जाएगा प्लस आपको बी एन सी कंपोनेंट देखने को मिलते हैं सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन आपको यहां पे देखने को मिल रही है कौन से एंजाइम इसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफेरेज और इवन आपकी एनसीआरटी में मेंशन भी किया हुआ है आप जाकर के देखेंगे ना तो वहां पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी कि ट्रांसफेरेज के अंदर किस टाइप की एक्टिविटी होती है एक्चुअली होता क्या है कि जब एंजाइम का क्लासिफिकेशन अपने देखते हैं तो ये रिएक्शन हम स्किप करके जाते हैं और यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है नीट एग्जाम में अभी तक एक बार भी सिंगल टाइम यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया ये चीज ध्यान रखना आप अच्छे से नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द एंजाइम एंजाइम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हंड्रेड परसेंट करेक्ट है यस एंजाइम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हंड्रेड परसेंट करेक्ट है फर्स्ट वन होलो एंजाइम इज मेड विद एपो एंजाइम एंड को एंजाइम सेकेंड वन को एंजाइम इज मेड विद एपो एंजाइम इन होलो एंजाइम थर्ड वन होलो एंजाइम इज मेड अप विद को एंड को फैक्टर एंड फोर्थ वन एपो एंजाइम इज मेड अप विद होलो एंजाइमेंट को एंजाइम क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अच्छे से देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 15 एक होलो एंजाइम जो होता है जिसको कंप्लीट अपने एंजाइम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म जो आपको देखने को मिलती है इसके अंदर एक पार्ट होता है इसका एपो एंजाइम एक पार्ट होता है इसका एपो एंजाइम जो कैसा होता है प्रोटीनेशियस होता है सेकेंड नंबर जो इसका पार्ट होता है वो कैसा होता है को एनजाइम जो कैसा होता है इसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है तो एक होलो एंजाइम एपो एंजाइम और प्रोटीन को uh, एंजाइम से मिलकर के बना होता है को <coughs> एंजाइम co बोल सकते हो आप को फैक्टर बोल सकते हो यहाँ पर एंजाइम बोल सकते हो को फैक्टर बोल सकते हो ये पूरे कंप्लीट एक होलो एंजाइम को डिनोट करता है दैट्स वाई आंसर इज ए. क्विक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मैश द कॉलम और आपकी एनसीआरटी ने जो डायग्राम डिफाइन किए हुए हैं पेज नंबर फोर पे पेज नंबर फोर उन डायग्राम के, के पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अच्छे से देख लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनके एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के नेम और उनके एग्जाम्पल्स इन ऑर्गेनिक आप पहचान फिर फर्दर उनके एग्जाम्पल्स को आप पहचान और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ड्रॉप करें क्विक जल्दी से देखें फैटी एसिड इनमें से कौन सा है गुलटेमिक एसिड लेसिथिन और पालमेटिक एसिड

फैटी एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो फैटी एसिड आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है पालमिटिक एसिड तो ए का क्या हो जाएगा फोर और ए का फोर आपके पास एक ही ऑप्शन में है ठीक और फोसोलिपिड की अगर बात की जाए तो फोसोलिपिड आपको लेसिथिन देखने को मिलता है एरोमेटिक अमीनो एसिड की अगर बात की जाए सी एरोमेटिक अमीनो एसिड टिप्टोफेन और लास्ट वन एसिडिक अमीनो एसिड की अगर बात की जाए तो एसिडिक अमीनो एसिड आपको गुलटेमिक एसिड देखने को मिल रहा है ठीक है तो क्या होगा इसका आंसर आंसर इज बी तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल बट बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर इस ग्राफ के बिहार पे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं बताएं आप कि आपको जो यहां पर वन टू थ्री फोर जो लिखा हुआ दिख रहा है फर्स्ट नंबर वन इसको डिफाइन कर रहे हैं ये क्या है वन ये किसको डिफाइन करता है टू ये किसको डिफाइन करता है थ्री ये किसको डिफाइन कर रहा है फोर तो वन टू थ्री फोर जो आपको डिफाइन करने सेगमेंट रिप्रेजेंट वन सेगमेंट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इनमें से कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिनोट uh, कर रहा है यस yes, प्लीज अगर आप ढंग से देखें इस ग्राफ को तो ये ग्राफ आपको यहां पर यहां से रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है ज्यादा और ये फर्दर एक uh, एनर्जी गेन कर करके फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां जो आपको एनर्जी देखने को मिलती है ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को कौन डिनोट करता है वन तो सभी ऑप्शन के अंदर आपके पास है भी क्या वन ठीक है सेकेंड देखिए क्या बोल रहे हैं सेगमेंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द फ्री एनर्जी रिलीज बाय द रिएक्शन रिएक्शन के अंदर जो फ्री एनर्जी रिलीज होगी रिलीज कितनी होगी जितनी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी तो रिएक्टेंट की एनर्जी अगर प्रोडक्ट की एनर्जी जितनी कम है वो कितनी है वो आपको यहां पे देखने को मिल रही है तो सी किसको को मतलब जो यहां पे आपको देखने को मिला टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी सेकंड स्टेटमेंट को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी सेकंड स्टेटमेंट को थर्ड वन अगर मैं बात करता हूं थर्ड स्टेटमेंट आप देखें ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट क्या है इसके अंदर ये थ्री वाली और लास्ट वन सेगमेंट वुड बी द सेम रिगार्डलेस वेदर द रिएक्शन वर अनकेटेलाइज और कैटेलाइज इसमें से ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो हमेशा सेम रहेगा रिएक्शन चाहे कैटेलाइज हो या फिर अनकेटेलाइज हो अच्छा से देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिएक्शन कैटेलाइज हो या फिर रिएक्शन अनकेटेलाइज हो कौन सा सेगमेंट यही वो सेगमेंट है एनर्जी जो रिलीज होगी वो हमेशा सेम रहेगा चाहे रिएक्शन कैटेलाइज हो या फिर अनकेटेलाइज हो कैटेलाइज होगी हो तो फर्दर फर्दर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी स्टिल ये एनर्जी तो उतनी ही आपको देखने को मिलेगी अगर कैटालाइज होगी रिएक्शन तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो तो उतनी ही देखने को मिलेगी इसकी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो अच्छे से देखें क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इधर आप ध्यान दे लें तो ज्यादा बेटर है काफी सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर अच्छे से देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर अगेन एक मैच द कॉलम आपको देखने को मिल रहा है यहां पे कुछ प्रोटीन्स डिफाइन क्यों हुई हैं और उनके फंक्शंस डिफाइन क्यों हुए टेबल नंबर आपका जो 9.5 है आपके बायोमोलिकुल चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर जो आपका नाइन दिया हुआ उसके अंदर नाइन टेबल जो दिया हुआ है 9.5 जो टेबल दिया हुआ है वो 9.5 टेबल आप अच्छे से देखें जाकर के और उस पर कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं फर्स्ट वन इसके अंदर डिफाइन किया है कॉलेजन ट्रिप्सिन इंसुलिन इन, और लास्ट वन है ग्लूटफोर ये चार कंपोनेंट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं और फिर फर्दर कोलिजन जो होता है कोलिजन जो होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ग्लोलिजन किसको डिनोट करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को मतलब इनमें से आपको बताना है चार ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने सेकंड नंबर हॉर्मोन थर्ड नंबर इंटरसेलर ग्राउंड सब्सटेंस कौन सा है और फोर्थ वन एंजाइम इनमें से कौन सा है क्विक

थर्ड दिया हुआ इंसुलिन इंसुलिन किसको रिप्रेजेंट करता है इंसुलिन इज एन हार्मोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हार्मोन को तो सी का सेकंड सी का सेकंड आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया है आप देखें क्या हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट ए का थर्ड बी का फोर सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट अब ग्लूट फोर जो होता है वो किसके लिए वर्क करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए और आपके नीट एग्जाम के अंदर लगातार दो साल ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है ग्लूट फोर अभी लेटेस्ट ही लास्ट टू लास्ट ईयर की अगर आप बात करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ग्लूट फोर ग्लूट फोर ग्लूट टू ग्लूट वन ग्लूट थ्री ग्लूट फाइव नंबर ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर trans, uh, होते हैं इंटस्टाइन के अंदर आपको डिफरेंट काइंड का मिलेगा पेंक्रियाज के अंदर डिफरेंट काइंड का मिलेगा इंटस् लीवर uh, के अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ग्लूट ट्रांसपोर्टर देखने को मिलते हैं तो काफी सारे पॉइंट्स हैं वन बाय वन अच्छे से एनालाइज कर लें इसको क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर 19. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओल एंडजाइम्स आर ये एक स्टेटमेंट है कि all enzymes आर प्रोटीन सभी enzymes जो होते हैं वो proteinaceous होते हैं दिस स्टेटमेंट इज नाउ मोडिफाइड बिकॉज एंड apparent exception एक्सेप्शन टू दिस बायोलॉजिकल is. अब ये जो रिएक्शन है जो आपके ये सॉरी जो स्टेटमेंट है इसको modified कर दिया गया है इस स्टेटमेंट को modified कर दिया गया है क्यों क्योंकि अब बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर काफी सारे ऐसे कंपोनेंट ढूंढे जा चुके हैं जो एंजाइम है बट प्रोटीनेशियस नहीं है वाई बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ राइबोजाइम राइबोजाइम क्या है सभी आपको जितने भी एंजाइम देखने को मिल रहे हैं वो प्रोटीनेशियस हैं बट राइबोजाइम वो क्या है ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए से मिलकर के बना हुआ एक एंजाइम है दैट्स दूस ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन जब आपने बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए इनमें से एक ऐसा है ये राइबोजाइम जो कैसा होता है कैसा होता आर आर एन ए डिराइव होता है क्लियर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जितने भी स्टेटमेंट्स आपको यहां पे दी हुई है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो आपको देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर नंबर नाइन टॉपिक नंबर नाइन पॉइंट नाइन डायनमिक स्टेट जो यहाँ पे डिफाइन की हुई डायमिक स्टेट फिर फर्दर एनर्जी करेंसी और लास्ट वन जो आपको डिफाइन किया हुआ है तो 9.9, पॉइंट नाइन नाइन पॉइंट टेन और नाइन पॉइंट इलेवन तीन जो आपके टॉपिक बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जितनी स्टेटमेंट आपको दी है उनके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टेटमेंट क्या है द मेटाबोलिक पाथवे इन विच द एसिडिक एसिड इज कन्वर्टेड इंट दोल इज एन एंडोथर्मिक वन जो एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रोल की जो फॉर्मेशन होती है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है सेकंड वन एनाबॉलिक पाथवे इज एंडरगोनिक वाइल्ड द कैटाबॉलिक पाथवे इज एक् एनाबॉलिक मतलब जो उपापचय में उपचय की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है एनर्जी कंज्यूमिंग होती है जो अपचय की प्रक्रिया होती, होती है वो एनर्जी जो है फर्दर दे करके जाती है थर्ड वन पूछा हो विदाउट मेटाबोलिज्म विदाउट मेटाबोलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट बिना मेटाबोलिज्म के कोई लिविंग स्टेट नहीं हो सकता यस yes, प्लीज नंबर आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है अगर आप देखें तो आपको सभी की सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही देखने को मिलेंगी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेटाबॉलिक पाथवे इन विच द एसिडिक एसिड इज इनटू द एन एंडोथर्मिक वन चैप्टर नंबर नाइन टॉपिक नंबर नाइन पॉइंट टेन की फर्स्ट टू थ्री लाइन देखेंगे तो वहां पर मैंशन किया हुआ है नेक्स्ट वन एनाबोलिक पाथवे एंट्रकोनिक होते हैं जनरली और जो आपके औरटाबोलिक पाथवे होते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं थर्ड वन पूछा हुआ विदाउट मेटाबोलिज्म देर कैन बी कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट तीनों के तीनों स्टेटमेंट हंड्रेड परसेंट करेक्ट है क्या होगा इसका आंसर ओलार करेक्ट अच्छे से देख लें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एनालाइज कर लें क्या होगा इसका आंसर ओलार करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिए अच्छा क्वेश्चन है क्या पूछा गया ट्वेंटी वन के अंदर एनालाइज <coughs> करें इसको विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मैच टू कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट देम इनमें से कौन सा एक सेट है जो बिल्कुल करेक्ट मैच किया गया है फर्स्ट वन दिया हुआ आपको लाइसिन ग्लाइसिन और थियामिन एंड अमीनो एसिड ये अमीनो एसिड है सेकेंड वन दिया हुआ acid, acid सबी सबी है एरकेटोनिक एसिड एसिटिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड इज फैटी एसिड ये सभी के सभी वसी अमल थर्ड वन एंड था एसिड इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड ये सारे के सारे क्या है न्यूक्लियोसाइड है और लास्ट वन सेलुलोज इनुलिन एंड ग्लाइकोजन आर यस प्लीज नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अपना जो है आंसर ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है जैसा मैं देख पा रहा हूं आप देखें क्या है फोर स्टेटमेंट आपके सामने है और इनमें से करेक्ट मैच आपको कहां देखने को मिल रहा है यस प्लीज बिल्कुल सही आंसर जो आप ड्रॉप कर रहे हैं क्या होगा इसका डी अगर आप देखें लाइसिन इज एन अमीनो एसिड ग्लाइसिन इज एन अमीनो एसिड बट थियामिन थियामिन किस कैटेगरी के अंदर आता है विटामिन की कैटेगरी के अंदर आता है दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल इनकरेक्ट है सेकंड वन एरेकेटोनिक एसिड इज एन फैटी एसिड 20 कार्बन का आपको अनसेच्यटेड फैटी एसिड देखने को मिलता है एसिडिक एसिड इज नॉट अ फैटी एसिड पॉलमेटिक एसिड इज अ फैटी एसिड 16 कार्बन का आपको वसी अमल देखने को मिलता है दैट्स वाई बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट के अंदर थाइमीडीन एक न्यूक्लियोसाइड है यूरिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है बट साइटीडेलिक एसिड क्या है एक एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट्स वाई दिज थ्री आर नोट तीनों के तीनों आपको न्यूक्लियोसाइड uh, की कैटेगरी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं. और आपका आंसर क्या होगा फोर सल्लोज एक पोलिसकेराइड है यस yes. सल्लोज इज अ अ पोलिसकेराइडिकेराइड ग्लाइकोजन इज अ पोलिसेकेराइड सल्लोज जो होता है बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है लीनियर पॉलीमर होता है बीटा ग्लूकोज इनुलिन जो होता है इनुलटोज का पॉलीमर और ग्लाइकोजन एल्फा ग्लूकोज का आपको पॉलीमर देखने को मिलता है जिसके अंदर ब्रांच कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू डायग्राम को पहचानो और चारों के चारों स्ट्रक्चर्स जो आपको डिफाइन करनी है कि कौन सी स्ट्रक्चर किसको बता रही है फर्स्ट वन ए ए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेकंड वन ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड वन ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्थ वन ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है यस yes, प्लीज अपना आंसर जो है वो ड्रॉप करें फोर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर शोन इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ए आपको ये देखने को मिल रहा है बी आपको ये देखने को मिल रहा है सी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और डी यहां पे देखने को मिल रहा है ए बी सी डी चार स्ट्रक्चर्स आपको दी हुई इन चारों स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करें यस प्लीज सबसे पहले और सबसे फास्ट आंसर जो है नंबर ऑफ ने ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया <coughs> क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट अगर आप ढंग से देखें तो एक लीनियर आपको चैन देखने को मिल रही है और जो लीनियर चैन होती है वो हो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है किसको प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है ठीक है सेकंड नंबर जो आपको यहाँ पे हेलिक्स एंड शीट कंडीशन देखने को मिल रही है ये इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और हेलिक और शीट कंबाइन होकर के फिर फर्दर इसकी टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है और ऐसी काफी सारी सब यूनिट मिलकर इसकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है दैट्स वाई ए इज प्राइमरी प्रोटीनिशिय स्ट्रक्चर बी इज सेकेंडरी सी इज टर्शरी और डी इज क्वार्टनरी तो ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है फर्स्ट ए प्राइमरी स्ट्रक्चर बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर सी टर्शरी और डी इसकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर है बहुत बढ़िया वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एंड फोर डिग्री को यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अच्छे से एनालाइज करें बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एंजाइम की जो एक्टिविटी है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स से जो होते हैं वो एंजाइम्स के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द एंजाइम एक्टिविटी जिसके अंदर आपको पी देखने को मिलती है टेम्परेचर देखने को मिलता है कंसनट्रेशन आपको देखने को मिलता है कंसनट्रेशन ऑफ सब्सेट देखने को मिलती है इनबिटर्स देखने को मिलते हैं है, है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप देखें द कर्व गिवन बिलो शोज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी विद रिलेशन टू द थ्री कंडीशन पी एच टेम्परेचर एंड सबस्ट कंसनटेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स टू एक्सिस एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इधर देखिए ये डिफाइन तो किए हुए हैं ये एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा है और ये वाई एक्सिस को डिफाइन कर रहा है अच्छे से देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा क्विक नंबर ऑफ स्टेन इसका आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है अच्छे से देख लें इस क्वेश्चन को गड़बड़ ना करें जल्दी ना करें और जल्दी जल्दी के अंदर क्वेश्चन गलत ना करें दोबारा से देख लें मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत अच्छे से क्या एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा क्विक नंबर ऑफ स्टूडेंट ने इसका आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल सही आंसर ड्रॉप किया जा रहा है एक्स एक्सिस पे आपको क्या देखने को मिलता है टेम्परेचर यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको एक्टिविटी एक्टिविटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अच्छे से देख लें कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम होगी और टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी ध्यान रखना अच्छे से देखें क्या होगा इसका आंसर क्विक अपना आंसर जो है और और वो ड्रॉप करना स्टार्ट करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा क्विक ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि देखो आपको बी ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन के अंदर टेम्परेचर कहां पर है एक्स एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी कहां है वाई एक्सिस पे डी ऑप्शन के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहां है एक्स एक्सिस पे और टेम्परेचर कहां दिया हुआ है वाई एक्सिस पे यस प्लीज अकॉर्डिंग टू योर एनसीआर क्विक जल्दी से आप अपना आंसर जो है ड्रॉप करें <coughs> अकॉर्डिंग टू योर एनसीआरटी अपना आंसर ड्रॉप करें क्विक नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अपना आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया जैसा मैं देख पा रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होगा इसका आंसर काफी सारे स्टूडेंट जो हैं सो गए हैं। आप इसको प्रिडिक्ट देखो ग्राफ को आप कैसे भी कर सकते अकॉर्डिंग टू यूर एनसीआर टेम्परेचर में जो वाई एक्सिस दी हुई है वहां पे आपको, आपको एंजाइम एक्टिविटी जो है, है। रखना, मत करना आप इधर कर और इधर रखूंगा तो भी पैरामीटर्स जो है प्रिडिक्ट किया जा सकते हैं बट एक्चुअल के अंदर इसका प्रॉपर जो आंसर होगा वो क्या होगा बी नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दो डायग्राम्स आपको दिए और दोनों डायग्राम्स के रिगार्डिंग पहले तो इन डायग्राम्स को पहचाने की डायग्राम्स है किसके ठीक है ये जो और फिर फर्दर बताएं कि इसके प्रॉपर जो डिफाइन किया हुआ है एक कैरेक्टर डिफाइन किया हुआ है वो आप मुझे कैरेक्टर अगर पहले तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है और प्लस उसका कैरेक्टर बिल्कुल सही है तो आप अपना आंसर ड्रॉप करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ए एंड बी ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विद रिलेटेड फंक्शन ये दो आपको देखने को मिल रहे हैं केमिकल फॉर्मूले ये इनके रिलेटेड फंक्शन से डायरेक्टली मैच किए हुए हैं यस प्लीज क्या होगा इसका आंसर नंबर ने इसका आंसर जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर आपको दी हुई है किसकी स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है लेसिथिन की किसकी स्ट्रक्चर आपके लैसिथिन <coughs> की स्ट्रक्चर डिफाइन की हुई है सेकंड नंबर जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है किसकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है है ये एडीनिन की किसकी है की तो ए लेथिन और बी एडिनिन ए लेन और बी एडिन ए लेन और बी एडिन ए लेन और बी एडिन तो दो ऑप्शन आपके सामने है अब इनके फंक्शन क्या है ए बी एडिन तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है द न्यूक्लियोटाइड दट मेक्स अप द न्यूक्लिक एसिड नो एडिन एडिन इन इज अट्रोजिनस बेस क्या होता है ये नाइट्रोजिनस बेस आपको देखने को मिलता है ये कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है क्या होगा इसका आंसर फोर लेसिथिन अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लेसिथिन मेंसिथिन को बोलते हैं ये एज एन फोस्टोलिपिड जो आपको देखने को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्सोलिपिड कॉम्प्लेक्स जो लिपिड होते हैं उस कैटेगरी के अंदर आते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूंट की फॉर्मेशन करते हैं दैट्स आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देखें न्यूक्लिक एसिड बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी चैप्टर नंबर नाइन भी रिवाइज करवाएगा ट्वेल्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर भी रिवाइज करेगा करवाएगा और केमिस्ट्री के अंदर ट्वेल्थ एनसीईआरटी सेकंड बुक के फोर्टीन यूनिट जो आपका चैप्टर है बायोमोलिक वहां पर भी आपको न्यूक्लिक एसिड मेंशन किया हुआ है अच्छे से देखें क्या होगा विच वन ऑफ द फॉलोविंग विच वन ऑफ द फॉलोविंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच विद द कैटेगरी अगेंस्ट इनमें से कौन सा ऐसा है जो रॉन्गली है मतलब बिल्कुल सही मिलान नहीं किया गया है फर्स्ट वन एडिनिन और थान दोनों प्यूरिन होते हैं था और यूरेसिल पायरिमिडिन होते हैं यूरेसिल एंड साइटोसिन पायरिमिडिन होते हैं एंड होते हैं यस प्लीज नाइट्रोजिनस बेस की अगर अपने बात करते हैं तो एक होता है आपके पास प्योरिन एक होता है पेरीमिडीन दो आपको देखने को मिलते हैं पेरिमिडिन और आपको बताया गया था प्यूरिन के लिए पिग की स्पेलिंग तो नहीं आती आपको ए आई जी तो आप लिख सकते हैं और यहां पर सी यू टी आते स्टूडेंट परेशान हो गए होंगे इस आई को देख करके आइनोसिन एक नाइट्रोजनस बेस होता है जो कन्वर्ट हो जाता है आपके एडीनिन के अंदर और गुएनिन के अंदर बेसिकली प्यूरिन दो ही होते हैं एंड होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन समझ में आती है बात जब अपने बात करते हैं किसकी एडिनिन एंड एडीनिन एंड आर था फर्स्ट ही ऑप्शन इसका कैसा है इनकरेक्ट है है एंड यूरेसिल था एंड यूरेसिल बोथ आर पायरिमिडिन

ट्रिकी क्वेश्चन हैं जो आपके प्रोटीन की स्ट्रक्चर आपको दी हुई है जो आपके लिपिड की स्ट्रक्चर आपको दी हुई है स्टार्टिंग के अंदर पूरा कंप्लीट कैसे आप सेल के अंदर जो सेलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रेट करते हो अलग अलग करते हो वो सारे पॉइंट्स एसिड सोलेबल पुल क्या है एसिड इनसोलेबल पुल क्या है उसके पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं और बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसके साथ में जब इसका यूनिट टेस्ट होगा वहां पर आपको देखने को मिलेंगे आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सिंपल क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आधे से स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स जो है इसी को ही नहीं समझ पाते हैं क्लियर है <coughs> तो आई थिंक यह आप लोगों को समझ आ गया होगा और अब टाइम है जीतो जीत की रणनीति जैकपॉट क्वेश्चन का बट उससे पहले आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स काफी दिनों से लगे हुए थे कि सर एनसीईआरटी निचोड़ जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है एनसीईआरटी निचोड़ बुक जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है मैं उस एनसीईआरटी निचोड़ की बात कर रहा हूं जो अवेलेबल काफी दिनों से नहीं हो पा रही थी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं एन निचोड़ फिजिक्स एन निचोड़ फिजिक्स की जो बुक है उसकी प्री बुकिंग ऑलरेडी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो है स्टार्ट हो चुकी है आप जाएँ जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं और जो स्टूडेंट इतने दिनों से परेशान हो रहे थे कि सर फिज़िक्स की एन निचोड़ जो है वो नहीं मिल रही है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है आप देखें अमेज़ॉन पे आप जाएं और जाकर के फिजिक्स निचोड़ जो है आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लस अब बात करते हैं जीतो जीत की रणनीति जैकपॉट क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने आएगा करना क्या है आपको आप बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ड्रॉप करना है और आज मैं आपको इसके अंदर इस इसके कुछ ऑप्शंस भी दे रहा हूं बट ऑप्शंस के अंदर आपके पास एबीसीडी नहीं है ऑप्शंस में आपको कैटेगरी डिफाइन की हुई है और जो आपको प्रिडिक्ट करना है वो डिफाइन किया गया है आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके अंदर प्रॉपर उसका आंसर आप ड्रॉप करें और जो बिल्कुल सही आंसर होगा और जिस स्टूडेंट के कमेंट पे मैक्सिमम लाइक देखने को मिलेंगे वही होगा जीतो जीत की रणनीति जैकपॉट क्वेश्चन का विनर और आपको मैं बता देता हूं ये सारे आंसर आपको इसी सेशन के कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करने हैं और एक बात आप बताइएगा ये सेशन जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है क्योंकि तो मेरी तरफ से जो है या वो जो पूरी कंप्लीट हमारी नीट कागज टीम है टीम की तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि कोई भी बच्चा ऑल ओवर इंडिया जो एग्जाम में बैठ रहा है नीट एग्जाम के अंदर बैठ रहा है सिंगल स्टूडेंट थ्री आउट ऑफ थ्री सिक्स से थ्री सिक्सटी आउट ऑफ थ्री सिक्सटी से ना रह जाए ये ध्यान रखना इसी वजह से जो है सीरीज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं हम बने रहे हैं आप 25 के 25 क्वेश्चन जितने भी आपके चैप्टर्स के आपको देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे सॉल्व करें यूनिट टेस्ट आप अच्छे से सॉल्व करें थ्री सिक्सटी आउट टू थ्री सिक्सटी आप ईजीली ले आएंगे समझ में आती है बात तो इसी सेशन के कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि ये सीरीज आपके लिए कैसी रही है प्लस आपका जो आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए जिस स्टूडेंट के आंसर पे मैक्सिमम लाइक like होंगे कमेंट बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही होगा तो कमेंट पे मैक्सिमम लाइक like होंगे वही विनर होगा जीतो जीत की रणनीति जैट जैकपॉट क्वेश्चन का विनर अच्छे से देखें क्या है क्वेश्चन एनालाइज करें <coughs> गिवन डायग्रेमेटिक रिप्रेजेंटेशन शोज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कैटेगरी को डिफाइन करता है ये प्लस इन द लिविंग टिश्यू आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन एंड वन द ब्लैंक कंपोनेंट ऑफ द मार्ग ब्लैक कंपोनेंट इस पे कौन सा मार्ग किया हुआ है ये एक्स यहां पे रिमार्क किया हुआ है सबसे पहले आपको कैटेगरी पहचानना है फिर फर्दर इसका जो ब्लैक ब्लैंक कंपोनेंट है उसको डिफाइन करना है आंसर जब आप ड्रॉप करेंगे कैटेगरी प्लस इसका कंपोनेंट इस तरीके से जो है आप अपना आंसर जो है ड्रॉप करेंगे और कॉमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताएंगे कि कैसी चल रही है आपकी ये सीरीज तो आज के लिए इतना ही है गुड नाइट ओके थैंक यू